तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रूप मंत्रा के प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे मेरा एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट के साथ। मुझे 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं इसे यूज करते हुए, जो कि इस छोटी सी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। इसलिए वीडियो को जो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, बिकॉज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सच में वर्क करता है हमारी स्किन पे या नहीं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेक लाइफस्टाइल एंड इट्स योर बॉय। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फेस वॉश की, जो रूप मंत्रा कुकुम्बर फेस वॉश। ये एक जेल टाइप फेस वॉश है जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, कुछ 12-13 इंग्रेडिएंट्स है, और इसमें छोटे छोटे रेड कलर के पार्टिकल्स है जो हमारे फेस पे स्क्रबिंग के काम आते हैं। और ये 48 रुपीज का आता है 50 ग्राम, और यहाँ पे कंपनी क्लेम करते हैं हेल्पफुल टू कंट्रोल ब्लेमिशेस एंड पिंपल्स, प्यूरिफाइंग द स्किन। सच में ब्लेमिशेस कुछ अजीब ही तरीके के मार्क्स होते हैं जो हमारे स्किन के बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, मेरी नोज पे हल्के हल्के, और इस फेस वॉश को मुझे 4 महीने से भी ज्यादा हो गए यूज करते हुए और ये अभी तक गया नहीं। और अगर तुम लोग सोचोगे इससे तुम्हारे एक्ने चले जाएंगे, पिंपल्स चले जाएंगे या मार्क्स भी चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा क्लेंजर है जो तुम्हारे फेस को क्लीन करने के काम आएगा, और ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वाले तो इसे यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे स्किन को इतना ज्यादा ड्राई कर देता है। और ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज करेंगे, मेरी भी ऑयली स्किन है, मैं जब भी इससे अपना फेस वॉश करता हूँ तो मेरे फेस को इतना ज्यादा ड्राई कर देता है, हमारे जो स्किन के नेचुरल ऑयल होते हैं उसे भी रिमूव कर देता है। और तुम लोगों को भी पता होगा कि अगर हम हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल निकाल देते तो स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाती है, बिकॉज हमारी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है तो हमारे स्किन से सीबम निकलना स्टार्ट हो जाता है जो हमारे स्किन को और भी ज्यादा ऑयली बना देता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर तुम लोग सोचोगे कि इससे तुम्हारा ऑयल भी कंट्रोल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑयल को रिमूव तो नहीं करेगा बट बड़ा जरूर देगा। और अब बात करते हैं इस क्रीम की, इसकी पैकेजिंग तुम लोग देख सकते हो, और ये 48 रुपीज में 15 ग्राम्स आती है, 15 ग्राम्स, और इसके भी सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सभी नेचुरल है। इसका टेक्सचर तुम लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीमी है तुम लोग देख सकते हो, और ये हमारे स्किन पे बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है। अगर तुम लोग अपने स्किन पे लगा के इसे रब करोगे, इससे मसाज करोगे, तो 30 से 40 सेकंड में अब्सॉर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ यूज फॉर 3 वीक्स एंड सी द रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वर्क नहीं करती, वर्क करती है बट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अगर तुम लोग को इसका सिर्फ असर देखना है तो तुम लोगों को 6 से 8 वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ असर देखने के लिए। और ये एक्ने और डार्क स्पॉट को पूरी तरह से रिमूव नहीं करती, सिर्फ उन्हें कंट्रोल करती है, ये सिर्फ हमारे एक्ने को कंट्रोल करेगी, रिमूव नहीं करेगी, और मार्क्स को भी बहुत ज़्यादा लाइट कर देगी बट उसे रिमूव नहीं करती। तुम लोग देख सकते हो मुझे 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है इसे यूज़ करते हुए, अभी भी मुझे एक्ने तुम लोग देख सकते हो हर जगह पे, तो शायद कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसे लेके। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों परचेज किया था, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं, मेरे एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे अपनी स्किन के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो नेचुरल हो, केमिकल बेस्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे और बहुत सारी वेबसाइट चेक की, तो काफ़ी लोगों ने इसकी भर भर के तारीफ की थी, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया। और जब मैंने खुद इसे इतना टाइम तक यूज़ करके देखा तो मुझे इसकी असलियत का पता चला। मेरे हिसाब से तो कुछ सेंस ही नहीं बनता इन प्रोडक्ट को परचेस करने का, बिकॉज ये सिर्फ तुम लोगों का पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। मैं तुम लोगों को एक ही सजेशन दूंगा, वो चीज़ कभी भी परचेस मत करो जिसकी टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड आती हो और वो किसी बड़े ब्रांड का हो, क्योंकि वो सब ब्रांड सिर्फ क्लेम करते हैं कि हमारा फेस वॉश आपके एक्ने हटा देगा, पिंपल्स मार्क्स सब हटा देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीज़ें परचेस करो जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और काफ़ी टाइम से मैं उन्हीं चीज़ों की रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने एक लंबी लिस्ट भी बना ली अपनी उन प्रोडक्ट की जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि कौन सा फेस वॉश और फेस क्रीम बेस्ट है हमारी एक्ने प्रोन स्किन के लिए और जो अफोर्डेबल भी हो, तो इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।